अरे कौन हो तुम? मेरे से दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, मेरे से दूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे से दूर जाओ। अरे ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरा सर दुख रहा है बहुत। ये खून कैसा? और मैं कहाँ पे हूँ? ये तो मेरा घर है। लगता है वो सब सपना था, लेकिन वो सपना वाकई बहुत डरावना था। मैं उस सपने को कभी नहीं भूल सकता। चलो अब क्या कर सकते हैं? मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। टाइम कितना हो रहा है? अरे सुबह के 5 बज रहे। सुबह के 5 मतलब ये सपना सच होने का चांस 50% है, और नहीं सच होने का चांस भी 50%। छोड़ो, मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं पहले न्यूज़ देखता हूँ, उसके बाद अपने दोस्त के घर जाने के लिए रवाना होता हूँ। तो यहाँ पे न्यूज़ पे आजकल क्या तो आज की ताज़ा खबर, ध्यान से देखिए इस घर को, ध्यान से देखिए इस। अरे आंटी, ये तो कोई औरत है, ये कोई आंटी नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। ग्रैनी जो कि रात होने पर उसी घर से निकल के रात को जो भी बाहर घूमता है उसे मारती है। इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे, और कोशिश करिए कि रात को बाहर ना निकले, वरना मुलाकात होगी इनसे, और ये आज तक किसी को भी नहीं छोड़िए। तो रात को घर पे रहिए। क्या ये भूतिया गृहिणी मेरे सपने में आई थी? तो मतलब ये सच में है। मुझे सावधान रहना पड़ेगा, कहीं इससे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे जल्दी नहा के अपने दोस्त के घर निकलना पड़ेगा। वैसे भी ये रात में निकलती है, लेकिन मैंने सपना तो सुबह ही देखा था, मेरा सपना भी सच हो सकता है। तो मुझे पहले नहा लेना चाहिए, उसके बाद मुझे सोचना चाहिए। मुझे टाइम पे अपने दोस्त के घर पहुंचना है, वरना वो बुरा मान जाएगा। मुझे जल्दी नहा के यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मुझे निकलना चाहिए, बहुत देर हो गया। मुझे अपने बाइक से निकलना चाहिए, कार से ट्रैफिक में फंस सकता हूँ, बाइक से जल्दी निकल जाऊँगा शॉर्टकट मार के। मेरी ZX10R, मुझे निकलना चाहिए जल्दी। एक मिनट, मैं पहले सीरू भाई को बता दूँ कि मैं जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। सेरू भाई ऊपर ही होंगे जिम में, मैं जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरा दोस्त मुझे 6 बजे बुलाया, 1 घंटे का रास्ता है मेरे दोस्त के घर जाने का। सेरू भाई सुनो, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो आप घर का ख्याल रख लेना, ठीक है? सेरू भाई आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आज का दिन वाकई बहुत ख़राब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सीरू भाई भी कुछ बोल नहीं रहे, क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आज सुबह से मेरा दिन कुछ अलग चल रहा है, सुबह से कुछ डरावना हो रहा है मेरे साथ। मुझे चलना चाहिए पहले अपने दोस्त के घर, मुझे संभल के गाड़ी चलाना पड़ेगा। हो सकता है आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, तो कुछ भी हो सकता है। बाय रोड जाता हूँ मैं, आराम आराम से चला के गाड़ी। अच्छा है मैंने कल ही अपने बाइक का टैंक फुल कर लिया था, अब जल्दी मैं जा पाऊँगा। मेरे दोस्त का घर तो वैसे यहाँ से बहुत दूर है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। आज यहाँ पे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे, लगता है ये सब लोगों ने न्यूज़ सुन लिया है, इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकला दिन में भी, और रात में तो शायद कोई निकलेगा भी नहीं। भाई वाकई ये मुझे जो सपना आया मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज? ये सपना वाकई मुझे परेशान कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे मुझे तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे शॉर्टकट मारना पड़ेगा। ऐसे बाय रोड जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, शॉर्टकट मार के जाऊंगा तो टाइम नहीं लगेगा।
मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन एरिया से ना पीछे से जाऊँगा मैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट एक साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कब बन के कम्प्लीट होगा। मेरे को यहाँ पे घर लेना है एक। ये रहा, अब मैं ये रोड से जा सकता हूँ सीधा सीधा। अरे ये सामने यही घर तो था। एक मिनट, इसको सामने से देखो तो। इसको सामने से देखो तो ये, अरे ये तो वही घर है, ये तो वही घर है जो मैंने आज सुबह टीवी में देखा था। इसी घर के अंदर वो खतरनाक ग्रेनी रहती है। मुझे बाइक इधर पार्क करना चाहिए, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए, मुझे सब चीज़ मालूम चल जाएगा मेरे सपनों के राज के बारे में। लेकिन मैं बाइक किधर पार्क करूं? मैं इधर ही पार्क कर देता हूं सामने, और मुझे बड़ी सावधानी के साथ अंदर जाना पड़ेगा। अगर ग्रेनी पकड़ ली तो हो सकता है वो मुझे अंदर ही हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन वो सिर्फ मेरे सपने में ही क्यों आई? कुछ तो वजह होगी, मुझे अंदर जाके सब जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं लेकिन अंदर जाऊं कैसे? ये गेट तो बंद है, मुझे दूसरे गेट से जाना पड़ेगा। दूसरा गेट, ये दूसरा गेट भी बंद है, मैं कैसे जाऊं? यहाँ पे तो सिर्फ दो ही गेट है अंदर जाने के। शायद सामने जो आदमी है उन लोगों को पता हो अंदर कैसे जाना है, उन लोग से पूछना पड़ेगा मुझे। ये वाकई बहुत बड़ा है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं रहता है इस घर के, सिर्फ ये घर अकेला इधर है। मुझे रोड पे चल रहे आदमी से पूछना पड़ेगा कि इस घर के अंदर जाए कैसे। सामने बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोग से पूछता हूँ। मुझे अपनी शायद बाइक लेके आना चाहिए था, मुझे दौड़ के आने में बहुत टाइम लग रहा है। वो आदमी से पूछता हूँ मैं, शायद उसे पता हो। एक्सक्यूज़ मी भाई, क्या आपको पता है कि ग्रेनी के हाउस में घुसते अंदर कैसे? क्या आपको घर जाना है? आपको गाड़ी चाहिए तभी आप बताओगे? ठीक है, मैं गाड़ी का इंतज़ाम कैसे करूँ? अच्छा सुनो, मैं गाड़ी लेके आऊँगा तो आप क्या मुझे बता दोगे? ओके, तो मैं आपके लिए गाड़ी लेके आता हूँ। अब मैं घर जाऊँगा तो टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ, यही आदमी से गाड़ी छीन लेता हूँ और दे देता हूँ इस आदमी को। रुक जाओ भाई, एक मिनट के लिए अपना गाड़ी दो ना। चलो आप एक मिनट के लिए बाहर आ जाओ और मुझे अपना गाड़ी दो। चलो कम से कम मुझे गाड़ी तो मिला है, मैं अभी ये गाड़ी इनको दे देता हूँ, तब ये मुझे रास्ता बता देंगे। भाई आप कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, पैदल मत जाओ, ये लो मैं आपके लिए गाड़ी लाया हूँ, ये लो ये गाड़ी आप रख लो और मुझे बताओ अंदर कैसे जाना है। क्या जो सामने दरवाज़ा है? क्या बोल रहे हो? जो सामने दरवाज़ा है बस वहाँ पे जाके जंप मारना है और मैं अंदर पहुँच जाऊँगा? सही में? ठीक है, तो मुझे चलना चाहिए, और थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, मैं अगर यहाँ से दौड़ के जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसी गाड़ी ले लेता हूँ। भाई अब दो मिनट के लिए अपनी गाड़ी दो ना, बाद में वहाँ के ले लेना, ठीक है? और मुझे ये कार को भी इधर पार्क कर देना चाहिए, और जैसे उस आदमी ने बोला वैसे करना चाहिए। शायद मैं अंदर ग्रेनी से मिलूँ, और शायद और भी लोग होंगे अंदर, उससे भी मिलूँगा। पहले अंदर जाता हूँ, बस वो ग्रेनी मुझे कुछ करे ना, वरना मैं अंदर ही कैद हो जाऊँगा। तो उस आदमी ने बोला मुझे यहाँ से ऊपर जंप मारना है, ये वाले गेट से, तो चलो जंप मार के देखता हूँ। अरे ये मैं कहाँ गया? तो ग्रेनी का घर ऐसा दिखता है अंदर से, और ये क्या है? ये बटन कैसा है? और ये स्विच? तो ग्रेनी के घर में जो भी आता है इसी में डाल के मार देती ग्रेनी से। ओ, और ये गेट कैसा है? नीचे चल के देखता हूँ, यहाँ पे एक नाव है, वो क्या था?
और यहाँ पे क्या है? इस नाव से मैं भाग सकता हूँ यहाँ से। मुझे पहले वो काम करना चाहिए जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे ग्रहणी से मिलना चाहिए। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये स्पाइडर, ये वाइट स्पाइडर, ये बूढ़ा हो गया लगता है। मुझे ऊपर देखना चाहिए ग्रैनी को। एक और स्पाइडर। ये सारे स्पाइडर शायद ग्रैनी से डर के भाग रहे। ग्रैनी को यहीं होना चाहिए। और यहाँ कैमरा भी है। और ये बाथरूम, जब लोग इंसान थे शायद तब ये सब यूज़ करते थे, और अब शायद इसकी सफाई कोई नहीं करता। यहाँ घड़ी भी है। और यहाँ पे एक और चीज़ है। और ये ड्रॉअर में कुछ है क्या? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इसमें शायद करंट देते हैं। एक और स्पाइडर, इसको नज़दीक से देखो तो ये कैसा दिखता है? भाई मैं इस टाइप का स्पाइडर पहली बार देख रहा हूँ ज़िंदगी में, सही में। अरे ये क्या था? ओह, ये तो ग्रैनी का फ़ोटो था। जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे, कहीं ग्रैनी यहाँ पे आ जाए तो मुझे मार देगी। यहाँ पे ग्रैनी के साथ ग्रैंडपा भी रहते हैं, और मैं उन दोनों से बच के यहाँ पे छुप गया हूँ। आखिर में मैंने बंदूक उठा लिया है। अब मैं शायद इन लोग से बच के यहाँ से भाग सकता हूँ। अब मुझे नहीं रुकना। मुझे पता चल गया यहाँ पे तीन लोग रहते हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और एक अजीब सा वो कीड़ा। अरे वो अजीब सा कीड़ा ग्रैनी के पीछे। मुझे ग्रैनी को मारना पड़ेगा। मैंने ग्रैनी को मार दिया। अब ग्रैनी शायद दो मिनट के लिए बेहोश रहेगी। ये रही ग्रैनी। ओ नो, ग्रैंडपा आ रहे। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। ग्रैंडपा यहाँ पे मुझे देख लिए। मैं ग्रैंडपा को मार नहीं सकता क्योंकि मेरे पास गोली नहीं है। इस बंदूक में एक ही गोली लगती है जो कि ग्रैनी के पास है। मुझे ग्रैनी के पास से वो गोली लेना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा जा चुके तो मैं यहाँ पे गोली ले लेता हूँ। और वो रहा अजीब सा कीड़ा, वो रहा भाग गया देख के मुझे। यहाँ पे तीन ही लोग रहते हैं, मुझे मालूम चल गया है। अब मैं ग्रैंडपा को भी बेहोश कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा को मैं मारूँगा। अरे ये क्या, ग्रैंडपा पे इसका असर नहीं होता। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, वरना ग्रैनी तो नहीं लेकिन मुझे ग्रैंडपा मार देंगे। मुझे निकलना चाहिए यहाँ से जल्दी। और नीचे जाने का रास्ता हाँ यहाँ से था। मैं बोट पे बैठ के निकल जाता हूँ यहाँ से। अरे वो क्या था, मेरा आधा सपना सच हो चुका है। यहाँ पे मैं तीन दिन से समुद्र में घूम रहा हूँ, और आखिरकार मुझे यहाँ पे मेरे शहर का किनारा दिख रहा है। मुझे सबसे पहले जाके मेरी बाइक लेनी पड़ेगी। मैं उसे छोड़ तो नहीं सकता, वो वाकई बहुत महंगा था। मुझे इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मुझे ग्रैनी के घर वापस एक बार जाना है, लेकिन अंदर नहीं। अंदर गया तो हो सकता है ग्रैनी नहीं ग्रैंडपा मुझे मार दे। तो मुझे सावधानी के साथ जाना पड़ेगा इस बार। और मुझे इस बार गाड़ी के साथ जाना पड़ेगा स्पीड में, क्योंकि मैं जल्दी वहाँ से जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा वहाँ से। रुक जाओ भाई, मुझे एक गाड़ी दो। तीनों सेम ही है, कोई भी एक ले लेता हूँ। भाई दो मिनट के लिए गाड़ी दो ना, ग्रैनी के घर के पास आना और लेके जाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ग्रैनी का घर बहुत नज़दीक है यहाँ से। और मेरी बाइक ये रही। अरे इसमें ब्रेक ही नहीं लगता है भाई, कैसा गाड़ी है। मुझे ये घर हमेशा याद रहेगा, ये भूतिया घर ग्रैनी का। इसके आसपास भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भी कोई नहीं और दूसरे तरफ भी कोई नहीं। अगर यहाँ पे किसी को कुछ हो जाए तो कोई यहाँ बचाने भी नहीं आएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में।